डीजे प्रभु दयाल स्टूडियो, डीजे प्रभु दयाल स्टूडियो, डीजे प्रभु दयाल स्टूडियो। रुक्मिणी बोली, भैया आप ही बताओ, मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है, क्या मैं अपने भैया के साले की दुल्हन बन के चली जाऊं? और मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह भगवान कन्हैया के साथ में। कोई बात नहीं, तू नहीं बुलाया था? और ये रथ के पीछे कौन बना है? यही तो मेरा भैया है। लोगों को अच्छा, कोई बात नहीं है कन्हैया, जाने दो, छोड़ दो। नमक के साथ कभी नमक नहीं खाया जाता, और खून से लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं किया जाता। चार रुकम चार, छोड़ दिया रुकम को। रुकम भागता हुआ जाकर के शिशुपाल के करीब पहुंचा, दूर से चिल्लाने लगा के जीजा जीजा। उधर से शिशुपाल रुकम से जीजा कह रहा, रुकम शिशुपाल से जीजा कह रहा है कि जीजा के हाँ कि जीजी को कन्हैया ले गया। जब इतने वचन सुने हैं तो शिशुपाल ने अपनी फौज से चारों तरफ से कन्हैया और बलराम को घेर लिया। जब दोनों भाइयों को घेर लिया है, शिशुपाल कहने लगा कि इन दोनों भाइयों की मुश्क खींच के हमारे करीब लेके आओ, हाथी से कुचलवा दो, छीन लो रुक्मिणी को। बलराम कहने लगे, श्याम बहू को अकेला छोड़कर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इतनी फौज मेरे लिए ज्यादा नहीं। अरे अभी ना पूरी अभी ना काटी करने वीडियो भी बन रही है, बहू को अकेला छोड़ के कहीं मत जा। एक मिनट भी आज कहा नहीं बनाई, फिर डिलीट कर दी है। उसी समय शिशुपाल और बलराम का घमासान एक हुआ है। देख पंडित जी की पूजा करो, इससे शिशुपाल और बलराम फिर डट के भैया लड़ाई। Keep on.